हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वैंडरवाल इक्वेशन के अलावा कौन से इक्वेशंस को यूज करके हम गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले है क्लॉसिस इक्वेशन। क्लॉसिस इक्वेशन के अंदर बेसिकली जो वैंडरवाल इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन टर्म प्रेशर के लिए यूज हो रहा था ए बाई वी स्क्वेयर फॉर दी वन मोल ऑफ गैस, अब उसकी जगह जो चेंज आया वो है ए बाई टेम्परेचर इन टू वी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जो वैंडरवाल कांस्टेंट ए था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आएगा। तो इस बेसिक पॉइंट के कारण टेम्परेचर इंट्रोड्यूस हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट करोगे तो वो ये है कि अब कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस हो रहा है। वैंडरवाल इक्वेशन में सिर्फ दो कांस्टेंट थे ए और बी, अब तीसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया इसमें सी। तो कांस्टेंट का नंबर इंक्रीज होने से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और उस वजह से इस इक्वेशन का यूज क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। अब नेक्स्ट है दैट इज बार्थोलोट्स इक्वेशन। उस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे क्लॉसिस से ये डिफरेंस है कि जो कांस्टेंट सी था उसको अब ड्रॉप कर दिया गया, तो आपके पास जो प्रेशर के साथ करेक्शन टर्म है दैट विल बी ए अपॉन टी इनटू वी स्क्वायर इनटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ए और बी दैट इज बार्थोलोट्स कांस्टेंट हैं जो डिपेंड कर रहे हैं गैस के नेचर पे, ए और बी वैंडरवाल कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट डायटेरेसी इक्वेशन। डायटेरेसी इक्वेशन के अंदर अगर आप नोट करोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो कंटेनर की वॉल के नज़दीक हैं, कंटेनर की वॉल्स के नज़दीक वाले मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली बल्क वाले मॉलिक्यूल से हायर होगी। क्योंकि इस इक्वेशन की डेरिवेशन के अंदर बेसिक अजम्पशन ये है कि जो बल्क से मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल की तरफ आएंगे उनको मूव करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन किया जाएगा, तो उस वर्क डन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के नज़दीक हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बल्क वाले मॉलिक्यूल से कंपैरेटिवली हायर होगी। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे वैंडरवाल की अजम्पशन से इस डायटेरेसी इक्वेशन की अजम्पशन में डिफरेंस है। तो जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है डायटेरेसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली दैट इज आर टी बाई बी माइनस बी इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ए बाई बी इंटू आर इंटू टी। बट अगर यहाँ पे आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे तो वो ये है कि जब डेंसिटी की वैल्यूज लो होंगी तब गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंपैरेटिवली लार्ज होगा। इन दैट केस वी कैन निगलेक्ट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम दैट इज बी। फर्दर अगर आप देखोगे अगर वॉल्यूम का वैल्यू लार्ज है तो उस केस में जो ए अपॉन बी इंटू आर इंटू टी वाली टर्म है दैट इज अ स्मॉल। तो जब आप एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को एक्सपेंड करोगे तो वो एक्सपेंड होगा इन दी फॉर्म ऑफ वन माइनस ए अपॉन बी इंटू आर इंटू टी। तो जब लो डेंसिटी के कंडीशन में प्रेशर के एक्सप्रेशन को आप अगर आप कंपेयर करोगे इन केस ऑफ डायटेरेसी इक्वेशन और वैंडरवाल इक्वेशन तो आपको वो सेम वैल्यूज देंगे अगर लो डेंसिटी के कंडीशन हैं। अब जो हमने इक्वेशंस डिस्कस की हैं चाहे वो वैंडरवाल इक्वेशन है चाहे डायटेरेसी इक्वेशन है चाहे बर्थोलोट्स इक्वेशन है, इन सभी को एक जर्नल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है और उस जर्नल फॉर्म को हम बोलते हैं व्हीलन इक्वेशन। अब जो ए इक्वेशन है इसके दो फॉर्मेट्स हैं, एक है इन दी पावर सीरीज ऑफ प्रेशर और दूसरा है इन दी पावर सीरीज ऑफ वॉल्यूम। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्रेशर प्लस सी इंटू स्क्वेयर ऑफ प्रेशर प्लस डी इंटू क्यूब ऑफ प्रेशर एंड सो ऑन। अब जो कैपिटल ए बी सी और डी हैं दीज आर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ व्हीलन कोएफिशिएंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट यहाँ पे क्या नोट करने हैं कि जब लो प्रेशर के कंडीशन होंगे तब उस केस में जो स्क्वेयर वाली टर्म है या क्यूब वाली टर्म है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। मेन कंट्रीब्यूटिंग पार्ट होगा दैट इज व्हीलन कोएफिशिएंट ए और जो ए की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आर टी। अब जो कोएफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी उनकी,
फर्दर जो इनकी वैल्यूज है वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो ए है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और उसकी वैल्यू में टेम्परेचर के साथ इंक्रीज आएगा, बट जो कोफिशिएंट बी है दैट इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू पहले नेगेटिव से जीरो आएगी और फर्दर टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक स्पेशल टेम्परेचर पे जो सेकंड वायरल कोफिशिएंट है बी उसकी वैल्यू जीरो आएगी आपके पास, उस स्पेशल टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर हमने जैसा कि पहले देखा है इट इज़ द स्पेशल टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस अटेन आइडल बिहेवियर, तो वहाँ पे जाके एक स्पेशल टेम्परेचर पे सेकंड वायरल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब उसके बाद फर्दर इस इक्वेशन की फॉर्मेट को अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में चेंज करके डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 बाय आरटी इनटू वी माइनस ए अपॉन आरटी इन दी लो प्रेशर कंडीशन। अब यहां से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइज होंगे। सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल्स के फाइनल साइज का फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फैक्टर दैट इज ए से डोमिनेट करे, तो अगर साइज का फैक्टर मॉलिकुलर साइज का फैक्टर डोमिनेट करेगा तो क्लियरली डी जेड अपॉन डी पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर में प्लॉट कर रहे हो तो उस प्लॉट की जो स्लोप होगी दैट विल बी डी जेड बाय डी पी। अगर वो स्लोप पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स जो जेड की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन वन, और ऐसा हमने देखा था हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कि हर एक प्रेशर की रेंज में उनकी वैल्यू क्या है, जीरो के बाद पॉजिटिव है, जेड इज ग्रेटर देन वन है हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस जो आइडल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन कर शो कर रहे हैं तो उन केसेस में बेसिकली मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट साइज होना डोमिनेट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस के फैक्टर के ऊपर। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का फैक्टर डोमिनेट करे फाइनाइट साइज के फैक्टर के ऊपर तो आप देखोगे कि जो स्लोप आएगी दैट विल बी इनिशियली नेगेटिव, बट एक टेम्परेचर के चेंज होने से स्लोप क्या पहुंच जाएगी, जीरो पहुंच जाएगी। तो एक स्पेशल टेम्परेचर जिस पे स्लोप जीरो होगी दैट विल बी दी बॉयल्स टेम्परेचर। अब इनिशियली स्लोप नेगेटिव का केस हमने बहुत सारे गैसेस के केस में देखा है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, अमोनिया, मिथेन, तो सभी के केसेस में देखोगे लो प्रेशर के जोन में आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के ग्राफ में क्या नजर आएगा, एक डिप नजर आएगा। तो वो जो बिहेवियर है वो हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जिस स्पेशल टेम्परेचर पे स्लोप जीरो हो रहा है दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर, और अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखोगे तो बॉयल्स टेम्परेचर की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो बनेगी ए अपॉन आर इंटू बी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जर्नल इक्वेशन की वो फॉर्म जिसके अंदर वॉल्यूम की टर्म्स की पावर सीरीज आएगी।